हेलो वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द सी टॉक द सी इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रोवर्सीज एंड द कॉन्फिडेंट एज वेल सो टुडे टूडेव अ स्पेशल गेस्ट विद विथ अस्ट नन अदर देन सोफिया खान तो सोफिया के बारे में मैं क्या कहूँ सो मैक्सिमम लोग जानते हैं कि सोफिया इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट बट सोशल एक्टिविस्ट के पहले शी इज़ अ प्रोफाउंड टीचर जो बहुत कम लोगों को पता है एंड वो पढ़ाती भी बहुत अच्छे हैं जितना अच्छा वो भाषण दे पाती है uh, उसके साथ साथ she's actively was with the fashion industry as well. ये भी बहुत कम लोगों को पता है सो इट वॉज हैड एंड बिन एक्सपीरियंसिंग विद सोफिया ऑलमोस्ट फोर्टीन ईयर्स दैट वी नो ईच अदर सो अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है, है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो सोफिया खान को जानते हैं सोशल एक्टिविस्ट सिंपल uh, you know, kind of hai, hai, लड़की लो तो <laughs> uh, है लोग क्या परसेप्शन रखते है पता नहीं बट ऑब्वियसली आई एम वेरी सिंपल बाई हार्ट और मैं चाहती हूँ कि मैं सिंपल uh, ही रहू जैसा मैं मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटम जिस तरीके से हुआ है दो आई में लुक के बहुत ज्यादा बोल्ड है आ, बहुत अच्छा भाषण दे पाती है बहुत बोल्डली बातें करती है बट यस बींग अमेन मैं भी एक बहुत सॉफ्ट वुमेन हूँ जो बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती है जो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाती है समथिंग रॉन्ग तो बेसिकली सोफिया जस्ट अ सिंपल ह्यूमन बींग जो आम लोग होते हैं बिल्कुल सोफिया भी वैसे ही है तो सोफिया एक बहुत आम लड़की है बट ये आम में कुछ खास बात है करेक्ट सो so, सोफिया मतलब वी हैव रियली सीन यू यू नो बहुत कम लोग जानते हैं कि आप टीचर भी है यू नो बट कहीं ना कहीं वो पता चल जाता है जब आप स्टेज में होते हो माइक पकड़ते हो जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका होता है तो ये मतलब यू नो अ जर्नी फ्रॉम अ टीचर टू अ सोशल वर्कर एंड देन टू अ सोशल एक्टिविस्ट एंड देन यू नो वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड स्लोली स्लोली यू इन द पॉलिटिक्स तो ये ये बहुत वर्सेटाइल जर्नी मतलब कैसी रही आपकी देखिए रोलर कोस्टर तो ज़िंदगी हमेशा ऐसा ही रहा है सबका ही होता है तो मेरा भी है तो आ, मैंने हमेशा से एक नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो मैं जब किसी को देखती थी कि ये उसने किया और अगर वो मुझे अट्रैक्ट करता है अगर वो मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं भी करना चाहती हूँ और कर सकती हूँ तो मैं उस फील्ड को चु चुनने की कोशिश करती हूँ तो टीचर तो एज अ टीचर मेरा वो प्रोफेशन है आई एम ऑलरेडी टीचिंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल लाइफ साइंस में पढ़ाती हूँ आई हैव कम्प्लीटेड माई मास्टर्स इन जियोलॉजी देन आई हैव डन माई बी एड दैन एम सील इन जियोलॉजी तो ऑलरेडी वो मेरा प्रोफेशन है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस्पेशली मैंने गवर्नमेंट स्कूल इसलिए भी चुना क्योंकि प्रोफेशन तो वो है लेकिन मुझे लगता था कि जो नीडी बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं जो इकोनॉमिकली थोड़े से बैकवर्ड हैं वैसे घरों के बच्चे आते हैं और उनको शायद हमारे जैसे टीचर्स की ज़्यादा ज़रूरत है तो इसलिए मैंने गवर्मेंट स्कूल को चुना और वो तो ठीक चल ही रहा है वो एक पार्ट है तो मैं उसको कहीं ना कहीं उसको भी मैं एक सोशल वर्क से कनेक्ट करती हूँ दो आई एम गेटिंग पेड फॉर डैट लेकिन फिर भी और सोशल वर्क में आने का एक uh, मैं सडनली नहीं आई एक्चुअली मेरे पेरेंट्स के डेथ के बाद टेन ईयर्स एक साथ ही मेरे पेरेंट्स को मैंने एक साल के आगे पीछे खोया तो उसके बाद मैं काइंड ऑफ एक डिप्रेशन में चली गई थी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी आ, लोगों को वो दिखता नहीं था डिप्रेशन बहुत काइंड होता है मैं मे बी एक डिफरेंट डे चुनूंगी डिप्रेशन के ऊपर बात करने के लिए बिकॉज उसको बहुत करीब से मैंने देखा है तो डिप्रेशन एक ऐसा चीज है जो आपको दिखता नहीं है बट वो अंदर भी होता है लोग सामने से हंस रहे हैं बहुत बोल्ड दिखते हैं बट स्टिल दे आर डिप्रेस्ड तो मैं भी उस डिप्रेशन का शिकार रह चुकी हूँ आफ्टर लूजिंग माई पेरेंट्स उसके बाद मुझे लगा कि वॉट शुड आई डू के मैं अच्छा फील कर सकूँ और इसलिए मैंने टीचिंग तो मेरा था ही लेकिन उसके साथ साथ मैंने सोचा कि मैं अगर कुछ किसी को हेल्प कर सकूँ मैं किसी को तो शायद मैं ये चीज़ उनके लिए नहीं करती थी मैं वो अपने आप को अच्छा अच्छा मैंने मुझे अच्छा लग सके इसलिए मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया इसमें यह अलग बात है कि उनका भला हो रहा है हो रहा है नहीं हो रहा मुझे नहीं पता देखिए मैं करना बहुत कुछ लोगों के लिए चाहती हूँ बट एंड ऑफ द डे आई एम नॉट गॉड ऊपर वाले ने सबके लिए एक जुगाड़ रखा है मेरा ये मानना है कि अगर वो दुख भी देता है तो उसका एक रीज़न है सुख भी देता है तो रीजन है किसी को वो कनेक्ट भी करता है कि आप उसको अगर मदद कर रहे हो वो भी एक रीजन है मैं भी अगर किसी के लिए कोई जरिया बनती हूँ तो मैं अपने से नहीं बन रही हूं। ये भी का इशारा आप लाइफ साइंस पढ़ाती हैं ठीक है, है? हुँ. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप पॉलिटिकल साइंस में आपका रुचि ये स्कूल टाइम से पढ़ने में था पढ़ाने में नहीं आया दिस पॉलिटिक्स

वो बिल्कुल डिफरेंट एक प्रोफेशन है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट कभी रहा नहीं है धीरे धीरे वहाँ पे मैं एक अच्छी वक्ता रही स्कूल में भी बहुत से प्रोग्राम्स होते थे तो मैं मुझे ही एज अ टीचर रिप्रेजेंट करने के लिए लोग बुलाते थे तो बोलते 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 मुझे भी अच्छ... मुझे भी समझ में आया कि मेरे अंदर एक अच्छे ओ का एक अच्छे वक्ता uh, का भी एक क्वालिटी uh, है तो वहाँ से मैंने अपने आप को पहचाना करते करते फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाने लगी वहाँ पर भी बहुत से लोगों को और सबसे बड़ी बात है कि ना मैं जब बोलती हूँ मैं कभी भी उसको स्टडी करके नहीं बोलती या मैं पहले से कभी प्रिपेयर्ड नहीं रहती हूँ क्योंकि एक दो बार मैंने कोशिश की थी जब मैं प्रिपेयर्ड करके बोलती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ अच्छा कि मैं क्या बोल रही हूँ एंड आई फील कि मैं अपने दिल से नहीं बोल पा रही हूँ इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी भी प्रोग्राम में जाऊँ इवन आज भी जो मैं आई हूँ मैंने कुछ भी मुझे नहीं पता कि तनवीर खान मुझसे क्या पूछने वाले हैं तो मुझे लगा कि वो जो पूछेंगे मुझे मेरे मन में जो आएगा मैं बोल दूंगी लाइक अनफिल

तब लोगों को बहुत मेरी जो स्पीचेस है वो अच्छी लगती थी और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि यस आई कैन बी अ गुड स्पीकर और मैं एक सोशल चेंज के लिए बहुत कुछ बोल सकती हूँ समाज में कुछ कुछ ज्ञान की बातें दे सकती हूँ लोगों को कुछ बता सकती हूँ वट एवर नॉलेज आई हैव कई बार होता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो बट आप उसको दूसरे लोगों तक नहीं पहुँचा वहाँ से आप सही से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो ये एक डिफरेंट टैलेंट होता है तो वो शायद आ, आ, मैं गिफ्टेड हूँ कि मैं मैंने जो चीज़ भी एडुकेटेड एडुकेटेड जो ली है या जो मेरे अंदर जो टैलेंट है वो लोगों तक मैं पहुँचा पाती हूँ अपनी बातों के थ्रू अपने स्पीचेस के थ्रू hmm. तो एन के बाद मुझे ये समझ में आया कि मैं कुछ स्पीच दे सकती हूँ जिससे लोग सामने वाले इंप्रेस हो सकते हैं और बहुत सारे सोशल चेंजेस आ सकते हैं तो उसके बाद से मैंने सोचा कि ठीक है वाई नॉट मैं अगर इसके आगे एन आर सी पॉलिटिक्स को बहुत लोग बहुत डिफरेंट एंगल से इसका बहुत वास्ट पैरामीटर है पॉलिटिक्स को लोग सोचते हैं कि इसको लोग प्रोफेशन के जैसा बना लिया है नहीं ऐसा नहीं है सोशल वर्क इन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि ये बहुत पैरल uh, है बट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है क्योंकि जो लोग समाज सेवा करते हैं और पॉलिटिक्स अगर आप वाकई में ईमानदारी से करते हो तो आप पॉलिटिक्स में आने के बाद आप काफ़ी लोगों की मदद कर सकते हो तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आने का एक ये भी रीजन था कि आई कैन बी अ गुड स्पीकर आई कैन इम्पार्ट माई नॉलेज मैं अच्छे से लोगों को कन्विंस uh, कर सकती हूँ उनको समझा सकती हूँ प्लस अगर मैं सोशल वर्क कर रही हूँ तो मैं अपनी कैपेसिटी में अगर दो लोगों को कर रही हूँ तो इफ आई इन अ पॉलिटिकल पावर देन आई कैन हेल्प टू थाउजेंड पीपल तो ये रीजन था कि मैं पॉलिटिक्स में आई और बहुत हद तक यस ऑफ कोर्स मैं उस वजह से मैं कई लोगों की मदद कर भी पा रही हूँ मे भी बहुत आगे तक जाना है ये अलग बात है लेकिन अभी राइट नाउ मैं

दोनों बातें हैं अगर आप जैसे मैंने कहा कि आप इंडिविजुअली कितना ही कर लोगे मतलब इंडिविजुअली अगर आप किसी को हेल्प करने जाओगे तो ऑब्वियसली एज अ टीम अगर आप हो तो आप ज्यादा मदद कर पाओगे किसी की भी आप इंडिविजुअल अगर किसी को मदद करते हो तो आप थोड़ा सा ही हेल्प कर पाओगे कितना ही पैसा दे दोगे कितनी ही अपनी एनर्जी uh, आप दे दोगे लेकिन अगर बहुत सारे एक एनजीओ का मतलब होता है कि वहां पे टीम वर्क हो रहा है आप एक टीम के साथ जुड़ गए हो अब वो सारे टीम अलग 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 अपने अपने, अपने अपने जो टैलेंट है या अपना अपना जो एनर्जी है वो लोगों में बांट रहे थे तो ऑबियसलीफकोर्स एनजीओ से बहुत हद तक हेल्प मिलती है बट इंडिविजुअली भी आप कर सकते हो ऐसा नहीं है कि देखिए समाज सेवा करना एक बहुत अ, लोग अपने आप को टैग लगा लेते हैं कि मैं समाज सेवी भी हूँ अरे हर कोई समाज सेवी हो सकता है आप नॉर्मली अरे चैरिटी बिगिन एट होम मुझे लगता है अपने फैमिली को अगर आप मदद करते हो आप तब भी समाज सेवा करते हो तो आज की जो दुनिया है ढाकती हुई दुनिया आज लोग अपने लोगों से भी दूर हो गए हैं आज लोग इतना ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़ गए हैं कि लोग रियल वर्ल्ड से लोग भाग रहे हैं तो मुझे लगता है कि अपने फैमिली को टाइम दीजिए अपने जो एल्डर्स हैं आपके घर में उनको टाइम दीजिए ये भी एक समाज सेवा है तो समाज सेवा करने का कोई एक डेफिनेशन नहीं है मेरे हिसाब से समाज सेवा आप किसी भी तरीके से कर सकते हो जो अच्छा लगे वो कीजिए बस लोगों को बुरा मत कीजिए लोगों का

तो so, अभी uh, हमने देखा दैट यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द देंड ऑफ द स्टूडेंट वेलफेयर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट दैट वे ऑल्सो यू वर्किंग ऑन द पॉवर्टी एलिवेशन जहाँ पे आप यू you नो know, uh, जो अफोर्ड नहीं कर पाते खाना आप उनको भी खिला रहे करेक्ट सो हमें क्या मतलब ऐसे ही मतलब इफ यू डेली टॉक अबाउट द नेशन ऑफ दिस इंडिया ठीक है सो so, सबसे ज्यादा क्या जरूरी है गरीबों को खाना खिलाना या गरीबों को मौका देना ताकि वो अपना खाना खुद से बना सके अफकोर्स सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है कि लोगों को अगर हम एम्पावर्ड कर दें कि वो अगर आज हम खिलाएंगे तो वो तो एक ही दिन खिलाएंगे ना अगर हम उनको उस तरीके से स्किल uh, बेस्ड उनको अगर कुछ हम uh, सिखा देंगे या उनको uh, किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट देंगे तो वो तो डेली खाना खाएगा तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है लेकिन खाना uh, जब पैंडमिक की बात थी तो उस वक्त तो जॉब भी नहीं था जॉब भी जा रहे थे लोगों के पास पैसे भी नहीं थे तो उस वक्त बहुत ज़रूरी था कि आप लोगों को खाना पहले दीजिए जब तो जान बचेगी तब लोग कुछ करेंगे तो ये डिपेंड करता है कि कैसे सिचुएशन है अगर किसी भी तरह का एपिडेमिक है है या ऐसा कुछ हालात बन गया है जहाँ लोगों के पास खाने को नहीं है तो ऑब्वियसली पहले तो खाना ही दीजिएगा जब वो खाना खा के जब सही हो जाएगा और नॉर्मल रहेगा तब उसके आगे के फ्यूचर के बारे में सोचिए करेक्ट बट हम सबके बारे में सब कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन जितना कर सकते हैं उतना कीजिए ना उतना डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड जस्ट डू इट

अफकोर्स नॉट टू प्रोमोट सोफिया खान सोफिया खान को प्रोमोट करने के लिए मैं कुछ और भी कर सकती थी मैं कमर्शियल कुछ बना सकती थी मैं कुछ भी कर सकती थी मैं खुद एक्टर बन सकती थी नहीं ऐसा नहीं है मैं दिल से जब कुछ करना चाहती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए ये चीज़ मेरे अंदर इनबिल्ट है बचपन से ही है मेरे पापा भी कहते थे बहुत ज़िंदी है ये जो थान लेगी वो करके रहेंगी तो मेरे पास ये किसी कोई लेके आया था आसिफ खान आसिफ इकबाल वो मेरे पास ये पूरा स्क्रिप्ट लेके आए उन्होंने मुझे बोला कि ये ऐसा 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 है हमने सी के ऊपर एक गाना लिखा है वाई डोंट यू प्रोड्यूस इट आप इस स्पेस स्पॉन्सर कीजिए इसको कीजिए बहुत अच्छा होगा तो मुझे कहीं ना कहीं वो क्लिक किया और दीदी उस वक्त जस्ट विधानसभा के चुन, चुनाव में बहुमत के साथ वो जीती थी थर्ड टाइम सीएम बनी थी तो एक नया नया एक माहौल भी था कि लाइक यू नो दीदी पीएम बनने के एक मटेरियल है Correct. तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि बंगाली में तो गाना बहुत कुछ बना हुआ है दीदी के ऊपर लेकिन अगर दीदी पीएम बनना चाहती हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा हिंदी गाना जो दीदी आजकल यूथ तो गाने को ही ज़्यादा समझते हैं वो बड़ा कोई मूवी नहीं देखना चाहेगा डॉक्यूमेंट्री ममता बनर्जी के बारे में शायद लोग ना उतना देखना चाहें लेकिन अगर आप पाँच मिनट के गाने में कुछ हद तक उनके लाइफ जर्नी को दिखा सको तो वो हमने जो कोशिश की थी यही सोचकर मैंने बनाया था कि दीदी को कहीं ना कहीं Uh, अगर पीएम बनना है और हिंदी ऑब्वियसली बंगाल छोड़कर और कुछ स्टेट्स छोड़कर बाकी तो हिंदी ही समझते हैं लोग तो ऐसे में लोग कनेक्ट कर पाएंगे तो ऑफकोर्स अव, दीदी तो मैं दिल से मानती हूँ और उनके लिए मैंने बनाया था और आ, आ, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मैंने बनाया है तो वो तो हाईलाइट हो ही गई कि सोफिया खान ने बनाया सोफिया खान ने बनाया तो मुझे भी अगर थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है तो ठीक है ना क्या क्या नहीं नहीं। ठीक so, है है ठीक बोलूंगा की जब ये आ रहा था सो so, काफी सारा प्री मार्केटिंग पीपल वेरी एक्साइटेड बट मुझे ऐसा लगा दिस इज माय पर्सनल परसेप्शन एंड काफी लोगों का है कि आने के बाद ना वो कहीं ना कहीं बहुत स्टेगनेंट हो गया सोफिया मतलब जिस लेवल में उसको रीच आउट करना चाहिए था या पॉपुलैरिटी पौला, गेन करना चाहिए था वो नहीं हो पाया सो आपका क्या मानना है इसमें देखिए ये तो हाँ वो रीज़न है एक्चुअली शायद ये जो टाइमिंग थी ना ये वीडियो की जो टाइमिंग थी वो मे भी थोड़ा सा ऑड हो गया इलेक्शन नहीं था सामने में और आ, या कुछ देखिए हम हर कुछ सोचते हैं वो वैसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में मेरी जो नीयत थी जो मैंने सोचा था वो फिफ्टी परसेंट हुआ फिफ्टी परसेंट नहीं हुआ तो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ हम जो सोचते हैं वो हो ही जाए वो ज़रूरी भी नहीं है बट ऑफकोर्स दीदी जहाँ तक मुझे पता है कि दीदी को ये गाना पर्सनली बहुत पसंद आया है एंड दीदी वॉज़ अबाउट टू कम फॉर द लॉन्च ऑल्सो बट समहाउ कुछ चीज़ क्लिक नहीं कर पाया ठीक है नो no वरीज मैं दीदी को बहुत प्यार करती हूँ और दीदी भी सबको प्यार करती हैं और uh, मैं उसमें ही खुश हूँ कि दीदी को ये गाना दीदी ने सुना है और दीदी को ये गाना पर्सनली बहुत पसंद आया है एंड बाकी ठीक है आगे देखें और क्या होता है और भी बहुत कुछ मैं धमाका करूँगी जो शायद जाकर बिल्कुल तीज निशाने पर लगे सो धमाके से बात ये आई है कि धमाका क्या होने वाला है हम श्योर आपका भी तो रिवील नहीं करने वाले बट यू नो मतलब लोग ना कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि हम मतलब सोफिया को एज अ पॉलिटिशियन देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे मतलब अभी तक तो ठीक है बैकिंग में है तो कहीं ना कहीं हम, हम ना हो कि, हम देख पाएगे कि नहीं देख पाएंगे तो वैसा, वैसा मुझे गाँस्टर, गाँस्टर का कुछ नहीं बनना है। मुझे देखिए मैंने जैसा कहा कि पॉलिटिक्स में सिर्फ मेरे आने का एक ही रीजन था कि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा एमपावर्ड कर सकू लोगों को ज्यादा पावर होगा तो मेरे पास चैनल ज्यादा होंगे मैं उनको ज्यादा हेल्प कर पाऊंगी दिस इज मोटिव एंड बहुत ऑनेस्टली मैं ये बोल रही हूँ इन फ्रंट ऑफ योर कैमरा बाकी ऊपर वाला जानता है मैं मैं क्या सोचती हूँ और मेरी क्या नीयत है क्योंकि मैं बहुत बिलीव करती हूँ आपके कर्मा पे आप कैसा सोचते हो कैसा वाइब्रेशन आप देते हो लोगों को वो आपको मिलता ही है और कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि मैं अपने लाइफ में इतनी सारी बाधाओं के बाद भी मैं थिक स्ट्रेट निकल जाती हूँ लोग मुझे प्यार करते हैं इतने दिनों में मैंने अगर लोगों की रिस्पेक्ट अर्न की है लोगों का प्यार पाया है

राइट right? एंड ये सारा टीचिंग प्लस ये सोशल वर्क फाउंडेशन का काम फिर प्रवक्ता हिसाब में जाना मतलब एज ऑडिटर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्ले प्लस सोशलाइज होकर ये पार्टीज एंड देन यू नो प्रमोशंस एंड रैंडे मतलब इतना कुछ कैसे कर हैं टच वुड टच जैसा मैंने कहा यस आई एम ब्लेस समवेयर हर किसी की लाइफ में नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ होता है लेकिन ओवरऑल ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आई एम ब्लेस्ड आई हैव टू प्यारे प्यारे बच्चे yeah. और बहुत प्यार करते हैं मुझे आई हैव अ गुड फैमिली लाइफ आप जैसे दोस्त हैं हमारे और क्या चाहिए और जिंदगी में मतलब बस सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करती हूँ एज ह्यूमन हर कोई करता है हर कोई भाग रहा है अपनी जिंदगी में कि बस जिंदगी को अच्छे से जिंदगी जीनी है तो वही जिंदगी जीने के लिए मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करती हूँ कि आई एम आ टीचर आई एम अ मदर आई एम अ ड्रीमर आई एम अ होम मेकर आई एम अ पॉलिटिशियन आई एम अ टीचर मतलब सब कुछ करना है मुझे ज़िंदगी में हर कोई ऐसा सोचता है कहीं ना कहीं हम सबके सपने होते हैं कि हम सब कुछ कर लें भले वो हम कर ना पाए वो अलग बात है तो इसी तरीके से सोफिया खान ऑल्सो जस्ट अ सिंपल ह्यूमन बींग वो भी सब कुछ करना चाहती है कर पाएगी कि नहीं ये नहीं पता सब कुछ करना चाहती हूँ बहुत से सपने हैं और इन नीयत अगर अच्छी रहेगी तो हमेशा अच्छा अच्छा होगा अच्छा अच्छा सोचेंगे तो हमेशा अच्छा होगा तो सोफिया को आप दुआ दीजिए कि आगे और भी धमाके करते रहे और भी प्यार बटोरते रहे और इसी तरीके से आपके चैट शोज में आकर लोगों से ये टिप्स टिप्स जो है जितने भी व्यूअर्स देख रहे रहे हैं हैं वो वो एक्चुअली सोच कि अब सोफिया क्या नया लेकर आने वाली है कुछ नया लेकर हाँ कुछ नया, ले कुछ नया, कर, नया सस्पेंस है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा वो सडन सस्पेंस जो है वो मिलेगा अरे सोफिया का ये रूप भी है अरे सोफिया ये भी कर रही है कैसे कर लेती है आई मीन कभी कभी ऐसा होता है ना कई लोग आते हैं मेरे पास बोलते हैं कि अरे आप इतना कुछ कैसे कर लेती हैं तो सबसे पहले तो सब मुझे लगता है अरे वजर ना जर्वार जर्वार लग जाए उसके बाद मुझे लगता है टचवुड बोलती हूँ और... आज आपने इसीलिए काला पहना है <laughs> फिर मैं बोलती हूँ नहीं नहीं ठीक है, ने, ने, है। आ, बस ऊपर वाले ने एनर्जी दी है और जब तक एनर्जी दी है भाई देखिए ये हमारा जो यूथ एज है अफकोर्स नॉट डेट यंग ऑल्सो हम जो मिड एज वुमेन हैं अब हमारा जो एज है वो धीरे 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 एक यू नो ओल्ड एज की तरफ जाएगा उससे पहले अभी जो एज है इसमें बहुत कुछ कर लेना है बहुत कुछ अचीव करना है और यही बात था, बस कर लेना है लोगों को मोटिवेट करना है ओके okay, सो so, अभी मतलब आप देख रहे हैं कि बहुत सेंसेशन चल रहा है कम्युनिटी में एक एक जो है ना मतलब कोड आया है यू सी सी मतलब हम देख रहे हैं कि आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है तो कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को <laughs> देखिए मैं बोलूंगी तो उसको लोग क्या है कि पॉलिटिकल एंगल से अब ले लेंगे कि लाइक वो वांट कि आप एज एन एक नागरिक के हिसाब से अब क्या बोलना चाहिए एग्जैक्टली exactly. वही मैं हाँ. बोलना चाह रही थी कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ नहीं बोलना चाहती मैं एज अ मुस्लिम भी नहीं बोलना चाहती मैं जस्ट एज अ इंडियन एज अ सेंसिटिव ह्यूमन मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो यू है मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये टोटली गलत है या ये टोटली सही है हर एक चीज़ के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों होते हैं लेकिन अगर हम पूरे इंडियन के सेंटिमेंट्स की बात करें तो इंडिया जो है वो एक धर्म प्रधान देश है जहाँ पे लोगों के लिए जो धार्मिक जो भावनाएं हैं बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं बहुत ज़्यादा और मेजोरिटी में रखती हैं मेजोरिटी में तो हमें ऑब्वियसली मेजॉरिटी क्या चाहता है वो हमें देखना होगा तो गवर्नमेंट अगर ये इसको मुद्दा बना रही है कि ये सबके लिए बिल्कुल सेम होना चाहिए बिल्कुल सेम लॉ होना चाहिए ठीक है क्रिमिनल वाइज हम यूसी सबसे पहले बता रही कि जैसे पूरे देश में कोई अगर कोई आ, क्रिमिनल होते हैं उनको सेम सज़ा मिलती है तो अब इनका ये कहना है कि जो सिविल चीज़ें हैं उसमें भी सेम हो जाए देखिए सेम नहीं हो सकता इसलिए नहीं हो सकता कि हर किसी का धर्म जो है वो अलग कल को आप अगर बोलोगे कि नहीं आप मस्जिद में मत जाओ मंदिर में मत जाओ चर्च में मत जाओ एक ही जगह आके आप इबादत करो आप एक ही जगह आकर ऊपर वाले को याद करो ऐसा तो नहीं होता ना आपकी जो आस्था है आप अगर मुस्लिम बॉर्न हुए हो आप हिंदू बॉर्न हुए हो आप एक सिख बॉर्न हुए हो और आपको कोई चीज़ बोला गया है और आपका वो मान्यता है तो आपको मानना ही पड़ेगा तो अगर मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए सेम कोड वहाँ होना चाहिए कि सेम एम्प्लॉयमेंट दीजिए ना सबके सेम वेजेस दीजिए कई लोग देखिए एक ही काम करते हैं किसी को कम आमदनी होती है किसी को ज़्यादा होती है वहाँ सेम कर दीजिए ना जहाँ ज़रूरत है पहले आप एम्प्लॉयमेंट की सोचिए पहले आप सोचिए कि लोगों औरतों को कैसे एम्पावर्ड करें औरतों को कैसे सिक्योरिटी दें किस तरीके से देश में डोमेस्टिक वायलेंस कम हो किस तरीके से देश में फार्मर्स जो आज मर रहे हैं वो ना मरे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देश तरक्की करे मुझे लगता है ये वाली चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल मुद्दा है और पॉलिटिकली इसको पोलिटिकल uh, एंगल्स यूज़ करने की कोशिश की जाती है तो मुझे लगता है लोगों को सेंटिमेंट्स लोगों की जो सेंटिमेंट्स है उसको पॉलिटिकल एंगल ना देकर इस चीज़ को अभी साइड में रखना चाहिए जैसे हमने देखा था सी एन आर सी उसमें भी तो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ पॉजिटिव दिखाया लेकिन उसमें भी लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े थे तो मुझे लगता है लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि धर्म एक बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ है लोगों का अपना अपना अपने अपने धर्म को लेकर हर कोई सेंटिमेंटल होता है तो अगर मुस्लिम्स को आप अगर बोलते हो कि आप वाट एवर आप फोर्सफुली अगर उनको बोलोगे कि आप मुस्लिम जो लॉ है उसको आप मत मानिए तो ऐसा नहीं होता है ये मुझे लगता है जुल्म करना हुआ तो मैं यही मैसेज दूंगी कि मुझे लगता है ये चीज बिल्कुल करनी चाहिए और ये चीज नहीं आ, अप्लाई करना चाहिए ठीक है है इसके एंड कॉन्स दोनों ही हैं लेकिन मुझे लगता अभी इसको नहीं करना चाहिए ओके सो अभी uh, आपने एक बात बोला यहाँ पे कि ये जो अभी पॉलिटिकल एजेंडाज बन गया है तो बट मेरे को तो ऐसा लगता है कि कोई भी नेशन डेवलपमेंट करने के लिए पॉलिटिक्स है हमारा कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल जो लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं लोगों को डेवलपमेंट uh, के लिए होता है तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं हम जो ये भी करते नहीं, नहीं तो कहीं ना कहीं तो, तो uh, ये, ये नहीं होना जी चाहिए? मैंने कहा की हाँ. अगर वन टू टेन पॉइंट्स देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जैसे जस्ट right. मैंने अभी कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है यूथ का फ्रस्ट्रेशन जो है जी. मुझे लगता है कि बहुत से मुद्दे हैं जहाँ पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए तो ये यू अभी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट को अगर करना ही है ठीक है इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं हर एक चीज़ के बारे में डिबेट होता है उसके ब्रॉज एंड फॉन हम निकाल कर उसके बारे में बात कर सकते हैं एक बीच का रास्ता लेके आ सकते हैं हुँ. लेकिन ये टोटली totally पॉलिटिकल है क्योंकि सोचने के लिए बहुत कुछ है आप यूथ के बारे में सोचिए आप शिक्षा के बारे में सोचिए आप मेडिकल हेल्थ कैसे प्रोवाइड किया जाए सारे लोगों को उसके बारे में सोचिए तो ये तो ये प्राइमरी मुद्दे हैं और ये UCC, NRC, CA, ये सारे सेकेंडरी मुद्दे हैं तो सेकेंडरी मुद्दे को अगर आप ज्यादा फोकस करते हो तो ऑब्वियसली इट इज मोर पॉलिटिकल फॉर योर बेनिफिट तो मुझे लगता है ये चीज़ नहीं चलेगा इस देश में करेक्ट सो so, हमारी वार्तालाप बहुत इंस्पायरिंग रही है एंड आई एम श्योर जो भी हमारे व्यूअर्स वो हमें देख रहे हैं जाते जाते मैं चाहता हूँ कि सोफिया हमारे जितने भी व्यूअर्स है उनके लिए कुछ अब कहे सबसे पहले तो लाइफ में एकदम पॉजिटिव रहिए सबके सपने होते हैं सब बहुत कुछ सोचता है हम जब छोटे थे तो लगता था डॉक्टर बन जाएंगे इंजीनियर बन जाएंगे पायलट बन जाएंगे स्पेस में चले जाएंगे साइंटिस्ट बन जाएंगे मेरा बेटा भी बोलता रहता है लेकिन वो क्या बनेगा नहीं पता हमें हमारी भी जो ड्रीम्स है वो हम जो सोचते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो हमें मिल जाए लेकिन जो भी मिला है बस पॉजिटिव रहिए कि जो मिला है ऊपर वाले की मर्जी से मिला है और उसमें कुछ अच्छा ही होगा और अच्छा ही है बस खुश रहना मुझे लगता है लाइफ का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए तो हालात जो भी हो, जैसे भी हो सपना पूरा हुआ नहीं हुआ आप अपने सपने को मोल्ड कर दीजिए प्लान ए जैसे हम कहते हैं ना प्लान ए नहीं है तो प्लान बी में जाइए बट खुश रहिए अल्टीमेटली थैंक यू सोफिया इट वॉज प्लेजर एंड And to all our sponsors and partners, signing off for today. Thank you.